शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जस्ट हाँ, आप ही बता दीजिए कि आपकी वाइफ का नाम क्या है। बोल बे चंदू, वाइफ का नाम क्या है? नहीं, आपको आपकी वाइफ का नाम नहीं पता? नहीं पता है, हम लोग क्या है ना, हमारी फैमिली में सैटरडे संडे वाइफ का नाम लेते नहीं है जी। तो थोड़ा शुरू से प्रथा चल रही है। बताओ भी क्या नाम है? ठंडाई देवी। ये क्या नाम हुआ? ठंडाई देवी? हाँ, वो एक्चुअली ना क्या बचपन से मुंह में दूध और शक्कर वक्कर डालकर करके तो ठंडाई बनाती रहती थी, मोहल्ले वालों ने ठंडाई देवी कर दिया। ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि इसका जन्म कब हुआ था? इसका उस दिन बादल आए थे, मतलब पूरा रोमांटिक मौसम था और पूरा ऐसे बिजली कड़क रही थी, बारिश हो रही थी, उसके ठीक 9 महीने बाद हुआ जी ये। आप जो बोल रहे, मुझे यकीन तो नहीं हो रहा, लेकिन चलिए मान लेती हूँ। ये बताइए कि ये किस हॉस्पिटल में पैदा हुआ था? मैडम हॉस्पिटल में जी, इसकी होम डिलीवरी हुई थी। क्या? होम डिलीवरी? जी जी, ऑनलाइन ऑर्डर किया था ना जी। नहीं नहीं, आप समझ नहीं, देखिए जो बच्चे घर में पैदा होते हैं उनको आपके उधर के उधर क्या बोलते हैं? होम डिलीवरी। तो वही तो बोल रहे हैं, होम डिलीवरी हुई ना। बस एक बात तो है, आपसे ज्यादा आपके बच्चे के बारे में इस चाय वाले को पता है? उसी का दूध पी के बड़ा हुआ ना जी, उसकी दुकान पे बैठा रहता है। शर्मा जी, आपने क्या बोला? ये आपका बच्चा है? आपको अभी एंट्री लेनी थी थोड़ी। नहीं, वो क्या है, मैं अभी अभी इसका बाप बना हूं। क्या? आप एक दिन में इतने बड़े बच्चे का बाप बन गए? मैडम 4G का जमाना है, क्या कर रही हैं आप? आप देखिए, आप तो टीचर हैं, आप साइंस समझती हैं। हाँ, ये तो है। उस हिसाब से ना। लेकिन देखने में आप शादीशुदा जैसे नहीं हो। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं शादीशुदा हूं ही नहीं जी। क्या? हाँ, आप यू कीप ऑन फ्लर्टिंग। एक मिनट, आप शादीशुदा नहीं है तो क्या ये बच्चा अगरबत्ती के पैकेट में से बाहर आ गया? अरे नहीं नहीं मैडम, मैं इन्हीं का बेटा हूँ। आपको विश्वास नहीं होता, हम दोनों ने जूते पहन रखे हैं, देखो। Shut up! Me talk, he talk, why you talk, middle talk? Hands up! मतलब आपने ये बात पूरी सोसाइटी से छुपा के रखी? नहीं नहीं, आप देखिए, सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करते। कल को मैं आप बोल दूं आप मेरी गर्लफ्रेंड है तो आप मान लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन आपने तो बोले कि आप इसके बाप हैं। आप औरत ना होती, आपका झुंडा मरोड़ता है मैं पकड़ के, आप बार बार क्यों? देखिए मैडम, सच आपके सामने है, मैं इसका बाप हूँ या ये मेरा बाप है, ये इस तरह शैतान है कि ये मेरा भी बाप है, तो इसलिए कोई किसी का बाप है नहीं वैसे। पर आप इसके बाप हैं। देखिए, आपके एंगल से मैं इसका बाप हूँ ना। हाँ। देखिए, जैसे मेरे एंगल से आप उसकी टीचर है, तो सबके एंगल से आप टीचर है, लेकिन आपके बाप के लिए तो आप बेटी है ना। जैसे ये नर्स है, आपके एंगल से मेरे हिसाब से तो डार्लिंग टाइप हुई ना। सिस्टर होगी अपने ब्रदर की। एक मिनट, मैं सोने जा रहा हूँ, अगर सब कुछ क्लियर हो जाए तो मुझे जगा देना। एक सेकंड, हैंड्स अप, सब कुछ क्लियर हो जाए मारूं एक। देखिए, आप इसकी मम्मी को कॉल, उनको बताने दीजिए कि सब कौन किसका बाप है, कौन किसका बच्चा। कॉल। देखिए, मैं इसकी मम्मी से मिल चुका हूँ, अच्छी औरत है। आपको मिलने की जरूरत नहीं है, वो वैसे भी इधर है नहीं। मैं मम्मी... इसकी माँ हूँ। लेकिन आप कब माँ बन गई? कप्पू पापा बन गया तो मैं भी माँ बन गई। बट ये कैसे? तुम चुप रहो, शर्म नहीं आती दूसरे के पतियों पे डोरे डालते हुए? जाओ अंदर जाके काम करो। आइए मैडम, आप बैठिए। हाँ जी बोलिए, मैं इसकी माँ हूँ। नहीं नहीं, इसकी माँ हूँ, जाके पोली के 2 बूंदे पी के आओ पहले। भाई झूठ बोल रही है ये, कोई मामू नहीं है ये। ये भी इसका बाप नहीं है। सारी पोल खोल दूंगी मैं। क्या क्या पोल, क्या पोल? अरे इसने मन्नत मांगी तो पोल पे धागा बांधा के थी, वो खोल दूंगी। और ये मेरा बेटा, मेरा सोना, कोई शरारत तो नहीं की तुमने? नहीं दीदी, मैंने कोई शरारत नहीं की। दीदी, एक मिनट, इसने अपनी माँ को दीदी बोल दिया? दीदी बोला, पागल बोला दीदी? अरे मैं, इसका कसूर नहीं, बच्चा ना, ये जब पैदा हुआ था ना तो ये मायके गई हुई थी, तो उसको आइडिया नहीं है। लेकिन आपने तो कहा कि बच्चा होम डिलीवरी हुआ था। होम डिलीवरी हुआ ना, अस्पताल में हुआ ना बच्चा। लेकिन होम डिलीवरी तो अस्पताल में कैसे हो गया? अरे तो इनका घर ही अस्पताल में है ना, ये मायका है ना इनका, ये ग्राउंड फ्लोर हॉस्पिटल टॉप फ्लोर घर, ये 50 हॉस्पिटल है ना, जो 4-सीटर हॉस्पिटल है, सारी फैमिली बेड पे सोती, मरीज के सोने के लिए जगह नहीं है।
एक बात बताइए मुझे, आप दोनों की शक्ल तो मिल नहीं रही है इस बच्चे से, बल्कि इसकी शक्ल तो चाय वाले से मिल रही है। ये। अब सारा दिन खिड़की से चाय वाले को देखता रहता तो उसी से शक्ल जाएगी ना, हो जाता है। आप सारा दिन एक दूसरे को देखते रहो, शक्लें मिलने लगती हैं। तो ठीक, एक बात बताइए जी, कि आप दोनों मिले कहाँ थे? बीच पे। जंगल में। क्या कह रहे जंगल, आप कह रहे हो बीच? जंगल के बीच में मिले थे जी। जंगल के बीच में को कैसे मिल सकता है? एक सेकंड, आप टीचर हैं या रजत शर्मा, इतने सवाल कौन पूछता है? देखिए देखिए, चलिए छोड़िए, आप इसकी मम्मी है ना जी, आप थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चे पे। मतलब क्या, व्हाट इज द हाइजीन इज द फिफ्थ बैड थिंग, मतलब ये ब्रश भी नहीं करके आते, इसके मुंह से तेरी बदबू आती रहे कि चल इन। अब मैडम क्या करे, एक ही ब्रश है, कल इसकी बारी करके आएगा। बारी बारी से करते ना हम लोग। गॉड, मुझे चक्कर आ रही है, माय हेड इज लाइक घूमिंग एंड घूमिंग। एक सेकंड, खुद इतनी कंफ्यूज हो तो बच्चों को कैसे पढ़ाओगे? कंफ्यूज्ड औरत। वैसे एक बात बताइए, आप अपनी शादी करने में थोड़ी जल्दी नहीं करती? मतलब थोड़ी वेट कर लेते तो शायद थोड़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं। मैं कितनी बार तो कह रहा हूँ ये मेरी वाइफ नहीं है, आप समझ नहीं रही हैं। देखिए, आप बोल रही है आपकी वाइफ नहीं है, वो कह रही कि वो इसकी माँ है, और आप कह रहे वो आपका बच्चा है। आखिर बच्चा है किसका? देखिए, मैं मानता हूँ ये मेरा बच्चा है, पर मैं ये नहीं मानता हूँ ये मेरी बीवी है, पर ये मानती है कि मैं इसका पति हूँ। हर एक का अपना अपना मानना होता है, विश्वास होता है, उंगली नहीं उठानी चाहिए। समझ में नहीं आ रहा ये क्या लॉजिक हुआ भाई, इज इट टोटल इज द कंफ्यूजन इज माय नी गोइंग ऑन। आई एम सेइंग द सेम थिंग ऑन द रोड ना। टप्पू, मैंने सुना है कि तेरा बेटा हुआ है। लो लो पेड़ा खा लो। नानी ये तो आलू है। चुप कर, मुझे मत सिखा। अरे मेरा मुन्ना कहाँ है? नानी मैं इधर हूँ। अरे कप्पू, इसकी आवाज तो एडल जैसी है, ये अचानक इतने बड़ा कैसे हो गया? ओ नानी, थोड़ा भागते भागते बड़ा हो गया, जैसे फिल्मों में होता है ना, भागते भागते हीरो बड़ा आ जाता है, थोड़ा फिल्मी बच्चा है ना। जो भी हो कप्पू, तेरी वजह से हमारे खानदान में चिराग आया है। अरे इसको, चिराग को पैदा करने वाली बहू कहाँ है? बहू 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 इतनी कड़क कैसी है? जिम करती है? नहीं, मैं टीचर हूँ। वाह कप्पू वाह, सरकारी नौकरी करने वाली बहू लाया है तू? अरे वाह, अब जिंदगी भर हमें पेंशन मिलती रहेगी। आपकी नानी को दिखता नहीं है? अरे वाह, कितनी ऑडियंस भी बैठी है, इतना गंदा अस्पताल। नानी मैं हूँ आपकी बहू। ए खबरदार, मैं नानी के पैर छुए, लात मार, लात मार नानी। जो भी हो, तू चुप कर। बहू। हाँ नानी। इधर है। इधर। ये ले तिजोरी की चाबी रख। तिजोरी की चाबी? लेकिन मैं इतने सारे गहनों को कैसे संभालूंगी नानी? कौन से गहने? नानी जो तिजोरी में है, जिसकी चाबी आपने दी है। तिजोरी कहाँ है? पिछले 5 पुश्तों से सिर्फ चाबियां ही चल रही है, अपने बाप को बोल के तिजोरी लगवा ले। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं डैडी से बोलकर एक तिजोरी भी बनवा लूंगी। ये गुलाटी की बेटी है? हाँ नानी। अरे सिद्धू जी भी आए हैं। सत श्री अकाल जी, कैसे हैं? जो भी हो, एक बात कान खोल के सुन लो, मेरे जीते जी गुलाटी की बेटी इस घर की बहू नहीं बनेगी।
ए छोटी गुलाटी चाबी दे। चल मुन्ना। I am coming. चल घर पीछे है। पता है।